हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। और आज के अपने इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं रियल मी 3 प्रो डिवाइस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रियल मी 3 प्रो डिवाइस अप्रैल में लॉन्च हो सकता है और काफ़ी कमाल का डिवाइस हो सकता है अगर हम लीक्स की माने तो। जो लीक्स निकल के फिलहाल अभी तक आई हैं रियल मी 3 प्रो डिवाइस के लिए, अगर कुछ वैसे फीचर्स मिलते हैं हमें इस डिवाइस में तो भैया ये एक एक्चुअल रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस का किलर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि भाई इसमें जो फीचर्स मिलने वाले हैं अगर हम लीक्स की मानते हैं तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि शायद मुझे पर्सनली नहीं पसंद है और शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को पर्सनली नहीं पसंद होंगे। अगर Realme 3 Pro डिवाइस इन फीचर्स के साथ आता है, लॉन्च किया जाता है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ फीचर्स आपको शायद पसंद ना आए। वैसे तो अगर लीक्स की माने तो हो सकता है इस डिवाइस में आपको 6.4 या 6.5 इंचेस की सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ में काफ़ी बड़ी बैटरी यानी 4000 या उससे ऊपर की बैटरी देखने को मिल सकती है फास्ट चार्जिंग के साथ, सुपर वूक चार्जिंग के साथ या फिर वूक चार्जिंग के साथ। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को पसंद ना आए इस डिवाइस के, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक बजट रेंज का डिवाइस होने वाला है, यानी कि 14 से 15 हज़ार रुपये के बजट में ये डिवाइस लॉन्च किया जाएगा। इसका बेस वेरिएंट तकरीबन इसी प्राइस में आपको मिल सकता है। अगर बात करते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी ओप्पो के K1 डिवाइस में भी देखी होगी, आपने सैमसंग के गैलेक्सी A50 में भी देखी होगी। तो इस रेंज के डिवाइसेस में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है अभी उतना कमाल तरीके से काम नहीं करता। हालांकि टेक्नोलॉजी नई है और काफ़ी बढ़िया मूव हो सकता है एक बजट रेंज के डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखना, मतलब भौकाल मारने के लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। लेकिन यार प्रैक्टिकली जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करेगी अगर इसे कंपेयर करते हैं रेगुलर फिंगरप्रिंट सेंसर से। तो अगर Realme 3 Pro डिवाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है तो मेरे ख्याल से ये इसका एक डाउन साइड होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे जो लीक निकल के आई थी उसमें यह भी पता चला था कि गाइस इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कमाल की है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें भी आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। तो जब आपको कोई सेल्फी कैप्चर करनी होगी और आप मतलब क्लिक करेंगे कैमरा पे, तो पहले पॉपअप कैमरा निकलेगा, सेल्फी कैमरा निकलेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर लोड होगा, तब जाके आप कहीं सेल्फी कैप्चर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिले देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पे इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं। इशू ये है कि अगर आपका फ़ोन कभी गिरता है, कभी कुछ उल्टा आड़ा तिरछा गिरता है, अब गिरता है तो पूछ के नहीं गिरता कि किस साइड से गिरूँ या ना गिरूँ, पता होगी आपको ये बात। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके टूटने के चांसेस मतलब थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एडिशनल सा एक पार्ट निकला रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका मतलब फ़ोन गिरता है उस तरफ से तो मतलब शायद थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और साथ ही यहाँ पे आपको पता ही है पॉल्यूशन, डस्ट और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जहाँ से पॉपअप कैमरा निकलेगा वहाँ पे मतलब थोड़ी सी जगह तो होगी, तो वहाँ पे डस्ट जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा मानना है। हालांकि हमने पॉपअप सेल्फी वाला सिर्फ एक डिवाइस ही यूज़ किया है, वीवो का था, वो वीवो नेक्स्ट था आई थिंक, थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया था मैंने उसे। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसे यूज़ करेंगे डेली तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसे यूज़ करने में। तो ये मेरा मानना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल यानी कि 2019 में ज़्यादातर डिवाइसेस जो लॉन्च कर रही कंपनीज़ वो USB टाइप सी पोर्ट के साथ लॉन्च कर रही हैं। यहाँ पे Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro दोनों ही डिवाइसेस टाइप सी पोर्ट के साथ लॉन्च किए गए थे, और Samsung के भी कुछ डिवाइसेस हमने देखे हैं कि भाई उन्होंने टाइप सी पोर्ट के साथ लॉन्च किया है। यहाँ पे जब माधव सेठ जी से पूछा गया था रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि भाई Realme 3 में उन्होंने माइक्रो USB पोर्ट क्यों दिया और टाइप सी पोर्ट क्यों नहीं दिया, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था साफ साफ कि भाई माइक्रो USB अभी थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है और थोड़ा यूनिवर्सल है, और टाइप सी अभी अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि टाइप सी होता है तो फास्ट चार्जिंग होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि फास्ट चार्जिंग माइक्रो USB या फिर टाइप सी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे डिवाइसेस जिन पे आपको माइक्रो USB मिलती है और उसके साथ में फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, लेकिन आपने बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें आपको टाइप सी मिलती है और फिर भी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये भाई OEM के ऊपर है और चिप मेकर के ऊपर है कि वो आपको इनेबल करके देता है फास्ट चार्जिंग या नहीं देता। तो उस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद Realme 3 Pro डिवाइस में भी आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि एक डिसएडवांटेज होगा इस डिवाइस का। अगर Realme 3 Pro डिवाइस में माइक्रो USB पोर्ट मिलता है 2019 में 14000
15,000 रुपये के बजट वाले डिवाइस में, तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा मेरे लिए। आपकी क्या राय है आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ टाइप सी, क्योंकि यार कन्वीनियंट होता है काफी, उसे प्लग करने में बहुत कन्वीनियंट होता है, तो मैं टाइप सी को थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा यहाँ पे। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस जो अभी तक मुझे लीक्स मिले हैं इस डिवाइस के, उनके मुताबिक कुछ इस तरह के फीचर शायद हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये 100% श्योर नहीं है, इवन 90% श्योर भी नहीं है। हो सकता है Realme 3 Pro के कुछ और भी प्लान्स हों, और हो सकता है कुछ और कमाल का डिवाइस आपको देखने को मिल जाए, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अब, क्योंकि यहाँ पे यार Redmi Note 7 Pro तो मिल नहीं रहा है बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारे लोग कट के जाएंगे उस तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डिवाइस टक्कर का हुआ तो कट के जाएंगे Realme 3 Pro की तरफ। लेकिन यार अभी तक जो मैंने यूज़ किया है Redmi Note 7 Pro डिवाइस, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मैं रेकमेंड कर सकता हूँ भाई किसी को भी। अगर 14,000 के बजट में आपको फ़ोन चाहिए तो Redmi Note 7 Pro डिवाइस बेस्ट है इस टाइम पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं Realme 3 Pro क्या पका के लाता है हमारे लिए। तो गाइज अभी तक जो आपको लीक्स मिली है Realme 3 Pro डिवाइस की, उनमें से आपको इसका कौन सा फीचर बुरा लगा या फिर कौन सा फीचर अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस डिवाइस से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिवाइस से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।